सालों में जिस तरह महिलाओं के अधिकारों पे हमला हुआ है, उस तरह के हमला हमने शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। Even after 25 years, we are all struggling for this bill. We are even after 75 years of independence, we are asking for the constitutional rights. Equal opportunity, give us equal opportunity. Treat everybody, men and women, equally. आप 25 साल तक किसी कानून को टालिए जो आदि आबादी के बारे में है, ये तो एक स्कैंडल है, ये तो एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी शर्म की बात है। आपने तो एक क्रूर मजाक बना दिया किसी चीज को। मीडिया में आरक्षण इज अ बैड नेम। हमारे मिडिल क्लास में आरक्षण मतलब पैरा आरक्षण की बात करते हो, यानी बहुत कमजोर समझते हो। अरे मेट्रो में नहीं लिखना चाहिए महिला सीट, बस में नहीं लिखना चाहिए महिला सीट। ये एक चीज अर्बन मिडिल क्लास के भीतर बैठाई गई है, बहुत सोचे समझे ढंग से बैठाई गई है कि महिला कमजोर नहीं है। ये डरते है इसी बात को कि औरतें आगे आएगी तो उनके ऊपर जुल्म जो हो रहा है वो ज्यादा दिन सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो कि दहेज का मामला इस देश का मामला क्यों नहीं बन रहा है। महंगाई का मामला इस देश का मामला बनता है, लेकिन घरेलू हिंसा का मामला इस देश का मामला क्यों नहीं बनता है। इस पूरी महामारी में घरेलू हिंसा कितनी बढ़ गई, कहां पे आया चर्चा के अंदर? कुछ पेपर में छप के आया, लेकिन हुआ बहस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि औरतों को जुल्म सहना उनकी किस्मत में लिखा है, हम नहीं मानते ये किस्मत। जब से विमेंस मूवमेंट शुरू हुआ 1970 के दशक से, हम एक एक कदम करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पिछले 7 साल में हर तरह की कोशिश की गई है कि औरत को घसीट के वही पीछे 15वीं-16वीं सदी में दफन कर दिया जाए। और ये जरूरी है, महिला आरक्षण बिल के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम इस बात का निर्णय लें कि आगे आने वाली जो 2024 की जो लड़ाई है, उसमें भी हम उसी तरह औरतें मिलके आवाज उठाएंगी और इन शक्तियों को जो इस देश को एक फासीवादी देश बना देना चाहती है, उनको हम शिकस्त देंगे और दोबारा से अपने लोकतंत्र को बचाने में महिलाएं, इस देश की महिलाएं पूरा योगदान देंगी, अपने संविधान को बचाने में पूरा योगदान देंगी। कि अगर संविधान और लोकतंत्र बचेगा तभी हम ये 33% बिल भी पास करवा पाएंगे। आज महिला आरक्षण पर लड़ाई तेज करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि हमारी जिंदगी पे जो हमला है और हमारे मुल्क पे जो हमला है, उसको हम फाइट बैक तभी कर सकते हैं जब हम संसद के भीतर, विधानसभाओं के भीतर इंडिपेंडेंटली बैठे हुए हो और अपने मुल्क को बचाने का काम सड़क से संसद तक कर रहे हो। आमतौर पे जब लोग कहते हैं महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ कौन था, तो लोग एक दो लोगों को याद करते, भूल जाते कुछ लोगों। इधर 2010 में जिस समय वो राज्यसभा में पास हो रहा था और लोकसभा में लाने की बात थी, ये ढोंगी बाबा आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी के MP लोकसभा, और उन्होंने वहां कहा खुल करके कि मैं वहां पर सीक्रेट तरीके से, मैं कहूंगा सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हूँ और मैं बीजेपी के MP के बहुमत को अपने पीछे खड़ा करूंगा कि इस बिल के खिलाफ वो वोट। और उसमें उन्होंने उस समय लेख लिखा, क्या लिखा था पता उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आप बताइए कि पंचायत में आरक्षण आपने दिया है, तो पहले आप चेक करें कि पंचायत में आरक्षण देने की वजह से महिलाएं क्या घर में कम काम कर रही हैं? उनका घर का काम अगर वो कम कर रही हैं, कुछ गलतियां हुई हैं परिवार में, परिवार का काम कम संभाल रही हैं, तब जो है इसको पलट दीजिए और दोबारा आरक्षण मत दीजिए। उतना ही वो योगी आदित्यनाथ ने उस उधर मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा, उसमें कोटेशन दे करके कि देखिए हमारी स्मृतियों में लिखा है हमारे कि महिलाओं को कभी आजाद छोड़ा नहीं जाना चाहिए, वो मातृशक्ति है। भाई हम महिलाएं हैं तो महिलाएं या किसी के पास भी जिसके पास में बच्चा दानी है वो बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम मातृशक्ति हो गए जिसको किसी और को बांध के रखना है, जब चाहे इस्तेमाल किया जब चाहे पकड़ लिया। हम अपनी शक्ति है। इस समाज में 75% से ज्यादा काम औरत
औरतें करती है, 75% से ज्यादा काम करती है। कुछ श्रम है जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया गया, पार्लियामेंट में आएगी तो कहेगी मेरे श्रम का मूल्य लगाओ, पूरा घर का काम मैं मुफ्त में करती हूँ, उसका मूल्य लगाओ। ये डरते इसलिए महिला आरक्षण बिल ये सभी चीजों को छेद देगी। इसलिए हमें चाहिए 33% आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर देना होगा। आप नहीं दोगे, हम अंत तक लड़ेंगे। जब तक ये हमें नहीं मिलता तब तक ये हमारा अधिकार है। हमारी माओ ने जो संघर्ष किया, मेरी दादी ने जो संघर्ष किया, तब हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आज हमें यह गारंटी करनी कि नेक्स्ट पीढ़ी इस अधिकार के साथ आगे बढ़े, वह बिना पॉलिटिकल अधिकार के, राजनीतिक दावेदारी के बिना उसकी गारंटी करना तकरीबन असंभव है। ये जो संघर्ष है इस बिल को लोकसभा में पास कराने का, ये हमारी जो लंबी और बड़ी लड़ाई है बराबरी की, उसका ही एक हिस्सा है। हमें आजादी जब मिली, जो पूरी हमारी विरासत थी आजादी की, ये उसी बराबरी की लड़ाई का, उसी बराबरी की ख्वाब का एक हिस्सा है, जिसका हम 33% रिजर्वेशन हम मांग रहे हैं। क्योंकि जैसा कहा गया कि अगर महिलाओं की भागीदारी सामाजिक, जो भी सामाजिक दायरा है, कोई भी दायरा है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो समाज का कोई भी हिस्सा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई कल्चरल फील्ड हो, साइंस हो, कुछ भी हो, अगर औरतों की भागीदारी उसमें नहीं है तो उसमें कभी कामयाबी नहीं हो सकती। जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये बस एक कानून की लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं की आजादी बराबरी की लड़ाई है, सारे इंसानों के बराबरी आजादी की लड़ाई का हिस्सा है। और इसलिए इस लड़ाई को हम बिल्कुल जल्दी छोड़ने वाले हैं। We are demanding for gender justice. We are not asking for them any charity. It is the gender justice which we equal and for the constitutional right. By saying this, I would like to end by saying the Ambedkar's, Dr. B.R. Ambedkar's slogan, I measure the progress of the community with the degree of progress that we